श्रृंगी ऋषि के पिता महर्षि विभांडक थे, परंतु उनकी माता कोई स्त्री नहीं थी। उनको जन्म देने वाली माता एक हिरनी थी। श्रृंगी ऋषि का जन्म जंगल में विचरण करने वाली एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। श्रृंगी ऋषि के पिता महात्मा विभांडक एक बहुत ही बड़े तपस्वी थे। कहा जाता है कि विभांडक ऋषि के कठोर तप से इंद्र भी घबरा गए थे। देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा था कि कहीं विभांडक ऋषि अपने तप के बल से उनका स्वर्ग का राज उनसे ना छीन ले, क्योंकि उन युगों में ऋषियों और तपस्वियों के तपोबल की शक्ति के सामने देवताओं की शक्ति भी कम पड़ जाती थी। इस कारण उस समय यही देवता ही ऋषियों और तपस्वियों के दुश्मन बन जाया करते थे और उनकी तपस्या को भंग करवा कर उनकी शक्ति कम कर देते थे। इसी तरह जब इंद्र महर्षि विभांडक के तप को देखकर घबराने लगे, तो उन्होंने विभांडक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की एक अप्सरा उर्वशी को भेजा था। बताते हैं कि महात्मा विभांडक एक सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब सुबह महात्मा विभांडक सरोवर में स्नान करने के लिए गए, तो देवराज इंद्र की भेजी हुई अप्सरा उर्वशी बड़े ही कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे विभांडक ऋषि को लुभाने लगी। उस कामुक उर्वशी को देखकर महात्मा विभांडक के मन में भी तीव्र काम वासना जाग उठी। इस कारण उनका वीर पानी के अंदर ही स्खलित हो गया। वीर स्खलित होने के कारण महात्मा विभांडक की तपस्या भंग हो गई थी और उन्हें इस बात का बड़ा पछतावा हुआ कि वह अपनी काम भावना के ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाए। दोस्तों, अपनी इस भूल पर पछताते हुए महात्मा विभांडक अपने आश्रम वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक प्यासी हिरनी उस सरोवर के पास आती है। वह प्यासी हिरनी सरोवर के पानी के साथ विभांडक ऋषि के स्खलित हुए वीर्य को भी पी जाती है। वह वीर विभांडक ऋषि जैसे महान तपस्वी का वीर्य था, इसलिए वह हिरनी उस वीर्य से गर्व धारण कर लेती है। कहा जाता है कि वह हिरनी भी पहले एक देवकन्या ही थी, जिसे किसी कारणवश परमपिता ब्रह्मा ने हिरण की योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। बताते हैं कि जब परमपिता ब्रह्मा ने उस देवकन्या को श्राप दिया था, तब देवकन्या ने ब्रह्मा जी से बहुत क्षमा मांगी थी। देवकन्या के इस प्रकार क्षमा मांगने पर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया था और उन्होंने उस देवकन्या से यह कहा था कि जब हिरण योनि में रहकर तू एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तब इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसलिए विभांडक ऋषि का वीर्य सरोवर के पानी में स्खलित कराने के लिए इंद्र को उर्वशी को भेजना पड़ा होगा, जिससे इंद्र का डर भी दूर हो जाए और साथ ही ब्रह्मा जी का देवकन्या को दिया हुआ श्राप भी मुक्त हो जाए। इसलिए हिरनी बनी देवकन्या समय आने पर जब एक मनुष्य के बच्चे को जन्म देती है, तब ब्रह्मा जी के श्राप से वह मुक्त हो जाती है और वापस हिरनी से एक देवकन्या बन जाती है। उस बालक का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था, इस कारण उस बालक के सर पर हिरन की तरह एक छोटा सा सींग भी उगा हुआ था। बताते हैं इसी सींग के कारण उस बालक का नाम श्रृंगी पड़ गया था। श्रृंगी ऋषि को जन्म देने के बाद जब वह देवकन्या श्राप से मुक्त होकर अपने स्त्री रूप में आई, तो उसे अपने उस जन्म दिए हुए बच्चे से कोई मोह नहीं रह गया था। इसलिए वह अपने उस बच्चे को वहीं जंगल में छोड़कर देवलोक चली आई थी। देवकन्या की इस हरकत के कारण
विभांडक ऋषि को स्त्रियों से घृणा हो गई थी। फिर विभांडक ऋषि ने अपने उस पुत्र श्रृंगी का पालन पोषण अपने ही हाथों से किया था और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक महान तपस्वी बनाया था। श्रृंगी ऋषि इतने महान तपस्वी थे कि जब शांता के जन्म के हजारों वर्ष बाद तक कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई थी, तब उनके गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि वह श्रृंगी ऋषि के हाथों पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाएं। उनके यज्ञ करने से ही उन्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। तब राजा दशरथ अपने दामाद श्रृंगी ऋषि के शरण में गए थे और इन्हीं श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करने से उन्हें 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे।